हेलो दोस्तों, आदर्श सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, हमारे पास में ये सैंपल आया है, ये है शाफ्ट। ये शाफ्ट सैंपल आया है, ये देखो जो हमारे हाथ में है, इधर भी चूड़ी है और आगे भी चूड़ी है। तो इसे हम बनाएंगे इस रॉ मटेरियल में। ये जो मेरा रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल में से इस पार्ट को हम बनाएंगे। तो इस शाफ्ट को हम कैसे बनाएंगे, सीएनसी चक में इसे हम कैसे पकड़ेंगे, हार्ड गुड का लगाएंगे या सॉफ्ट गुड का लगाएंगे। ये देखो, ये नट है, ये गेज है हमारा। इस नट को हमें इसमें चढ़ा देना है। जब हम थ्रेडिंग करेंगे, थ्रेडिंग करने के टाइम पे हमें इसे चढ़ा देना है, इस नट को। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, इसको मैं सेंटर लगाऊंगा, उसके बाद से फिर रिवॉल्विंग सेंटर लगाऊंगा। तो रिवॉल्विंग सेंटर का मैं कोड लगाऊंगा यहाँ पे M10 करके, इसमें कोड लगता है। तो M10 लगाऊंगा मैं, तो हमारा रिवॉल्विंग सेंटर ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये देखो मेरा हार्ड गुटका है, इस हार्ड गुटके में इसे मैं पकड़ूंगा। ये देखो, हार्ड गुटके में इसे हम पकड़ेंगे। तो इसको मैं अंदर लगा रहा हूँ। देखो, हमने सिंपल इसको अंदर में लगा दिया। अब इसको हम करेंगे क्लैंप। देखो, अंदर में लगा दिया हूँ मैं, अब मैं करूँगा क्लैम्प। नीचे हमारा फुट स्विच है, इससे हमने क्लैम्प कर दिया। अब ये हमारा हार्ड गुटके में पकड़ हो गया। अब हम करेंगे इसको स्टॉपर। ये प्रोग्राम बनाया हूँ मैं, O044 करके, BW800। तो हमने इसमें तीन चार टूल का यूज़ किया हुआ है। मैं सबसे पहले लगा लेता हूँ यहाँ पे ऑप्शनल M01। सारे टूल को मैं चलाऊँगा ऑप्शनल लगा के M01। ये देखो, ये हमारा स्टॉपर का प्रोग्राम है। N0, G28, U0.0, W0.0, T05, 15, पाँच नंबर हमारा टूल है और 15 नंबर में मैं इसका ऑफसेट लिया हूँ। तो ये है स्टॉपर का, ये मेरा स्टॉपर का प्रोग्राम है। हम करते हैं साइकिल स्टार्ट। साइकिल स्टार्ट करूँगा तो स्टॉपर आएगा हमारा। देखो, अभी पीस हमारा ये अंदर लगा है, टैरेट घूम रहा है, अब स्टॉपर आ रहा है। देखो, जिसमें मैं सेंटर डिल लगाया हूँ उसी में मैं स्टॉपर लगाया हूँ। देखो, ये आपका सेंटर ड्रिल के नीचे साइड में, देखो इसी टूल में मैं स्टॉपर लगाया हूँ। देखो, इसी टूल में तो हमने इसमें स्टॉपर लगाया है। अब मैं करूँगा इसे क्लैंप। क्लैंप करने के बाद में फिर इसे हम होम कर लेंगे। ये हमारा स्टॉपर लग गया। देखो, स्टॉपर हमारा लग गया। अब N1 में मैं क्या किया हूँ, फेस किया हूँ। देखो, G72 कैन साइकिल का यूज़ किया हूँ मैं N1 में। इसको हम फेस करेंगे। मैं कर रहा हूँ साइकिल स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे, ये हमारा साइकिल स्टार्ट हो रहा है। अब ये सिर्फ फेस करेगा, टर्निंग नहीं करेगा, क्योंकि पीस हमारा लंबा है। ये फेस करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर लगाएंगे। जो सेंटर डील हमने लगाया हुआ है उसको हम यहाँ पे सेंटर लगाएंगे। तो अभी ये फेस कर रहा है, देखो ये हम फेस कर रहे हैं। फेस करने के बाद में ये हमारा होम हो जाएगा। अब ये फेस करके हमारा होम हो जाएगा। फेस करके टूल होम हो गया। अब देखो आप प्रोग्राम को, ये है N2, ये है फिनिशिंग का टूल। मैं दो टूल का इस्तेमाल किया हूँ, एक टूल से मैं रब कर रहा हूँ और एक टूल से फिनिश। डोलो WNMG का टूल है, दोनों टूल हमारा WNMG का है। मैं कर रहा हूँ साइकिल स्टार्ट। अब ये फेस करेगा, ये फिनिश का टूल है। एक से हम रब करेंगे और एक से फिनिश, दोनों हमारा WNMG का टूल है। तो ये फिनिश कर लिया, हल्का ही कट लिया फेस पे और ये हमारा होम हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं फ्लैश लाइट बंद करता हूँ। N3, अब N3 है हमारा सेंटर ड्रिल। ये है हमारा सेंटर ड्रिल। सेंटर ड्रिल लगेगा हमारा। जेड माइनस कितना जा रहा है, जेड माइनस 7.0। जिसमें मैं स्टॉपर लिया हूँ वही सेंटर ड्रिल हमारा है टूल। मैं कर रहा हूँ साइकिल स्टार्ट। अब देखो, अभी हमारा ये आ रहा है, अभी आ रहा है हमारा सेंटर ड्रिल। देखो, ये है सेंटर ड्रिल, इसको हम लगाएंगे। उसके बाद से फिर इसमें मैं रिवॉल्विंग सेंटर लगाऊंगा। देखो, मैं कर रहा हूँ साइकिल स्टार्ट। अब यहाँ पे ये सेंटर लगेगा। देखो, ये सेंटर लग रहा है। सेंटर लग के अब हमारा मशीन होम हो गया। सेंटर डिल लगा और मशीन होम हो गया। अब हम आते हैं प्रोग्राम पे N4, G28, U0.0, W0.0। उसके नीचे मैं लिखा हूँ M10। M10 है हमारा रिवॉल्विंग सेंटर लगने का कोड। जब M10 मशीन पड़ेगी तो रिवॉल्विंग सेंटर हमारा ऑटोमेटिक लग जाएगा।
आप इस प्रोग्राम को स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद से फिर टर्निंग चालू हो जाएगा। देखो जो रिवॉल्विंग सेंटर लगेगा G04X4.0, आप देखो यहाँ पे नीचे एक चार्ट है, चार्ट में सारे कोड दिए हैं। देखो यहाँ पे चार्ट में सारे कोड दिए हैं, M10 टेल स्टॉक फॉरवर्ड। तो मैं M10 का यूज़ किया हूँ, तो जब हम M10 का यूज करेंगे तो सेंटर लगने के बाद में हमारा ऑटोमेटिक रिवॉल्विंग सेंटर लग जाएगा। ये देखो इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके नीचे हमारा टर्निंग चालू हो जाएगा। देखो यहाँ पे G71 कैन साइकिल का यूज़ किया हूँ मैं, जेड माइनस जा रहा है 295, मैं कर रहा हूँ साइकिल स्टार्ट। जैसे हमने साइकिल स्टार्ट किया, देखो आप सेंटर हमारा लग रहा है, सेंटर ऑटोमेटिक आ रहा है। जैसे ही M10 मशीन ने पढ़ा, सेंटर हमारा ऑटोमेटिक लग गया। अभी हमारा आ रहा है टर्निंग करने के लिए टूल, देखो अब ये टर्निंग करेगा। रब टूल हमारा टर्निंग करके होम हो गया। अब N5 देखो T0101 मैं लिया हूँ फिनिश का टूल, ये हमारा फिनिश का टूल है। इसमें मैं यूज किया हूँ G42 टर्नोज रेडियस कंपनसेशन। देखो G01X25.0 के नीचे G42 टर्नोज रेडियस कंपनसेशन का यूज किया हूँ। अब मैं कर रहा हूँ साइकिल स्टार्ट। अब हम चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये हमारा फिनिश टूल चल के होम हो गया। अब हम जाएंगे स्क्रीन पर N6, देखो लिखा हूँ मैं 3 mm, 3 mm हमारा ग्रुप का इंसर्ट है, T0707 सात नंबर हमारा टूल है और ग्रुप का इंसर्ट है 3 mm का। तो हम करेंगे इसे साइकिल स्टार्ट। ग्रुप टूल चल के मशीन होम हो गया। आप देखे होंगे कि ग्रुप टूल से ही हमने चैम्पर लगाया हुआ है। अब हम जाएंगे स्क्रीन पर N7, ये हमारा थ्रेडिंग का प्रोग्राम है, हमने इसमें इंक्रीमेंटल में थ्रेड का प्रोग्राम बनाया है। देखो आप G92U-0.5Z-25.0 2 mm का हमारा पिच है, ये देखो इंक्रीमेंटल में प्रोग्राम बनाया है उसका मैं। U- देखो आप 1.6, 1.7, 1.8 ऐसे करके हमने U-3.0 तक इसको बनाया हुआ है। अब हम करते हैं साइकिल स्टार्ट। थ्रेडिंग करने के बाद में मशीन होम हो गई। जब मैं थ्रेड बनाया हूँ तो हल्का बर आ जाए थ्रेड पे, तो उस बर को ख़त्म करने के लिए मैं N8 में जो थ्रेड है उस थ्रेड के ऊपर में मैं हल्का सा उस बर को हटाऊँगा, टूल चलाऊँगा। तो हम चला रहे हैं, देखो यहाँ पे बर आया हुआ है, इस बर को हम ख़त्म करेंगे। तो हल्का सा बस इस पर मैं फिनिश कट चलाऊँगा, मैं कर रहा हूँ साइकिल स्टार्ट और इस बर को हम ख़त्म करेंगे।
दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ या आप हमें कमेंट करो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा और प्रैक्टिकल बनाऊँगा और थ्योरी बनाऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।